हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शर्मा, आपका ऑनलाइन ट्यूटर, और आज मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट आर्ट के बारे में। कोई भी डायग्राम वगैरह बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आपको लिस्ट में चाहिए, प्रोसेस में चाहिए, साइकिल में चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, और ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी के सभी एक साथ आ जाएंगे। मान लीजिए मैंने ये वाला सिलेक्शन करके ओके कर लिया तो वैसा ही शेप आ जाएगा। और जब इस पर लिखना है जो भी चीज़ वो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई भी चार्ट बनाना है, जैसे मैंने लिख लिया SCL, यहाँ पे लिख लिया मैंने BPL, यहाँ से भी लिख सकते हैं टाटा, और इसे चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं दोबारा, और यहाँ से रीओपन भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। अब ये जो कलर हैं और ये शेप के स्टाइल हैं, तो मैं जैसे ही स्टाइल पे क्लिक करूँगा वैसा ही शेप का जो स्टाइल है वो वन बाई वन चेंज होता जाएगा। और यहाँ बहुत सारे स्टाइल हैं अंदर तक, जैसे स्टाइल पर क्लिक करेंगे वैसा स्टाइल आ जाएगा। अगर मैं चेंज कलर पर क्लिक करता हूँ, जिस कलर को भी सिलेक्शन करूँगा वैसा ही कलर इफेक्ट हो जाएगा सब में, और कलर इफेक्ट के साथ चेंज होंगी वन बाई वन ऐसे। देखिए अगर मैं इससे रिसेट करता हूँ तो जैसे पहले था वैसा ही रिसेट हो जाएगा, और मैं चाहूँ तो इसका शेप बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। ये नहीं है कि आपने जो डायग्राम में शेप चूज करा है बस वही रहेगा, बाद में भी चेंज हो जाएगा और बाद में भी कलर इफेक्ट इस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो ये था डायग्राम कमांड। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट। चार्ट में आप ऐसा चार्ट भी ले सकते हैं, 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 ऐसा चार्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने कॉलम वाला चूज कर लिया, जैसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे चार्ट ओपन होगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कंपनी का टारगेट दिखाना है तो कंपनी के नाम लिख लिए मैंने ये ऐसे, और यहाँ पे किस साल का टर्नओवर दिखाना है उस साल का टर्नओवर के लिए ईयर डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे जैसे SCL का पहले साल गया 50,000 का टर्नओवर सपोज डैट, और फिर गया 60,000 का टर्नओवर, नेक्स्ट टाइम गया 65,000 का टर्नओवर, देखिए वहाँ का टर्नओवर आ गया। ऐसी आपका जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का टर्नओवर दिखाना है तो इसमें इतना गया, इसमें इतना गया, इसमें इतना गया, इसका इतना गया, इसका इतना गया, फिर इसका इतना गया, और इसका इतना गया, और इसका इतना गया, और फिर इसका इतना गया। तो देखो जितना भी मैंने अमाउंट डाला है उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ट तैयार हो गया। तो ये था आपका MS Word पे ये वाला चार्ट। अगर मैं इंसर्ट में चार्ट पे क्लिक करता हूँ, मुझे कॉलम की जगह पाई में चाहिए तो पाई पे भी सिलेक्शन करके ओके कर सकते हो तो पाई चार्ट आ जाएगा। फिर एक्सेल का चार्ट खुलेगा, वही कंपनी के नाम में सेम है, जैसे लिख लेता हूँ क्या नाम लिखा था, नोकिया लिख लेते हैं और सैमसंग। अब सेलिंग दिखानी है, फिर से SCL का सेल हुआ 65,000, 45,000, 35,000, 25,000, तो उस हिसाब से देखिए हम आ गया ना। तो इस हिसाब से आप चार्ट का यूज कर सकते हैं, और यहाँ से चार्ट के कलर इफेक्ट हैं ऐसे, उसमें भी कलर इफेक्ट आए थे मैंने उन्हें बताया नहीं था, तो ये इस तरह से आप कलर इफेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा SCL में डायग्राम के लिए स्मार्ट आर्ट और चार्ट कमांड। ये दो कमांड आप क्लियर करिएगा, देखिएगा कि आपको आया नहीं आया, और जो भी दिक्कतें होती हैं वो आप कमेंट जरूर करिए तो मैं उसे चेंज सुधारने की कोशिश करूँगा। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।